गुप्ता जी, आपको यहाँ चुना गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप राज्यसभा जाएं, पार्टी का बहुमत है तो जाना तय है, लगभग चुनाव में हलग होगा। किस तरीके का आगे का आपकी क्योंकि आइडियोलॉजी अगर जो कहा गया, वो कहा गया कि आप एजुकेशन के बहुत सारे संस्थान चलाते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए काम करते हैं, किस तरीके से आगे की स्थिति रहेगी? मुझे भी अभी पार्टी से फोन आया है, मुझे पता चला है कि विधायक मंडल ने और पीएससी ने मुझे चुना है, तो सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने के लिए चुनने के लिए भेजा। और जहां तक करियर की बात है, मैं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। हमारे जो ट्रस्ट है उनके माध्यम से महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल जयबाग, महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी, पैरा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज इत्यादि, नर्सिंग कॉलेज हम बना रहे हैं और लगभग 50 करोड़ रूपये साल के हमारे ट्रस्ट के माध्यम से चैरिटी होती है। और जिस प्रकार अभी आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय केजरीवाल जी की अगुवाई के अंदर दिल्ली के अंदर जगह जगह चिकित्सालय खोले हैं और जगह जगह ये किया है कि एक्सीडेंट होगा तो फ्री इलाज होगा, और किसी भी व्यक्ति को अगर सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकता है। हम इसी कार्य से पहले से जुड़े हुए थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किस प्रकार सरकार एक कदम आगे जाके लोगों की मदद करने के लिए तैयार है और किस प्रकार एक नया मॉडल निकाला कि घरों के अंदर जाकर उन बस्तियों के अंदर हम क्लिनिक खोलें और वहां पर जाके लोगों की मदद करें। मुझे अच्छा लगा और मैं खुद भी इस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा हूं और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर तो एक रिकॉर्ड तोड़ सरकार ने काम किया है, इतने क्लासरूम इस दौरान बनाए हैं। और मैं भी गांव के स्तर पर जाके, शहरों में नहीं बल्कि ग्राम के अंदर जाके शिक्षा देने का कार्य करता हूं। मेरे पास लगभग 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा देते हैं, केजी से लेकर पीजी तक। इंजीनियरिंग कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, सेकेंडरी स्कूल्स है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, और सबके माध्यम से ये हमेशा दिल के अंदर एक दर्द रहता है कि किस प्रकार हम मानवता की सेवा कर सकते हैं। सुशील जी, सदन में कैसे, क्योंकि अब उच्च सदन में आप बैठेंगे तो सदन में किस तरीके से बात रख पाएंगे पार्टी के दृष्टिकोण से? देखिए, जो पार्टी का दृष्टिकोण है कि अगर मनुष्य शिक्षक होगा, अच्छा शिक्षा उसको मिलेगी तो हिन्दुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर उसका स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान देंगे तो उसकी जो जीविका है, आम गरीब व्यक्ति को किस प्रकार यहां पे मदद मिलती है, बिजली पानी की मदद मिलती है, इन सब मुद्दों को लेकर दिल्ली के लाखों लोगों की आवाज बनकर मैं राज्यसभा के अंदर दिल्ली के लोगों के दर्द को बयां करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार दिल्ली की तरफ ध्यान दे, दिल्ली के मामलों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाए, दिल्ली के मामलों को देखे, क्योंकि दिल्ली को इग्नोर करना, देश की राजधानी है दिल्ली, इस देश दुनिया के अंदर इस देश का चेहरा है और ये चेहरा किस प्रकार से सुंदर हो सकता है, यहाँ के लोग किस प्रकार से बेहतर तरीके से रह सकते हैं, उसकी उनकी आवाज बनकर मैं राज्यसभा के अंदर बोलूंगा। दिल्ली को चमकाने की आप बात कर रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं कि दिल्ली ही हमारा मेन मोटो है कि दिल्ली को चमका जाए, क्या किस तरीके से पार्टी की आइडियोलॉजी से कितनी आपकी आइडियोलॉजी मिलती है, कितनी मिल खाती है? देखिए, पार्टी की आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी इस प्रकार मेल खाती है कि मैं सिर्फ चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ही काम कर रहा हूं, वहीं पे सेवा कर रहा हूं और पार्टी ने भी इनको प्रायोरिटी दी है। पार्टी ने इनको प्रायोरिटी दी है कि हर बच्चा शिक्षक होना चाहिए, हर बच्चे के अंदर अगर शिक्षित नहीं होगा तो इस देश को, इस दिल्ली को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल बात है। और यही बात है चिकित्सा की बात है, इन्होंने जो हमें मान के चलते कि जो मनुष्य का शरीर है वो चलता फिरता मंदिर है, और क्योंकि भगवान ईट पत्थर के दीवारों में पता नहीं रहते कि नहीं रहते, किसने देखा नहीं देखा, वाहेगुरु है, अल्लाह है, खुदा है, जो भी है, अगर इंसान के शरीर में आत्मा के रूप में जरूर रहता है और वो जब आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है तो ये चलता फिरता मंदिर है। इसकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, केजरीवाल जी ने एक अनूठा उदाहरण सारी दुनिया के सामने पेश किया कि हम ये करें और मैं भी ये दर्द लेकर साथ ही चलूं। इसलिए एक सवाल अहम है कि आखिरी है कि 18 लोग में के बीच में से आपका नाम फाइनल हुआ, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ इन वजहों से कि वो नहीं लेना चाहते थे और कुछ ने इस वजह से कि सरकार का दबाव, केंद्र सरकार का दबाव रहेगा, आपको इस बीच चुना गया है। देखिए, ये तो चुनने वाले ही बता पाएंगे बेहतर तरीके से, परंतु मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं सेवा के अंदर जुड़ा हुआ हूं, मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि आदमी का जो शरीर है इसकी अगर हम सेवा करेंगे, मनुष्य की सेवा करेंगे, तो परमात्मा खुद ब खुद आपकी
क्लियर करेगा। दिल्ली से आप चुन के जाएंगे, क्या क्या मुद्दे सदन में रहेंगे आपके, अहम तो अहम प्रायोरिटी पे क्या क्या रहेगा? देखिए, शिक्षा और चिकित्सा तो मेरी प्रायोरिटी है ही, और इसके साथ साथ जो वक्त आएगा मुद्दे हम देखेंगे और उस समय उन मुद्दों पर बात करेंगे।